हाय दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम आपको एक ऐसे पार्ट के बारे में जो है ये ऑडियो सुनाने जा रहे हैं, जो आपको इंटरमीडिएट से रिलेटेड ये पार्ट जो है रोल अदा करता है और प्रोज का ये पहला लेसन है। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही मीठा जो है लेसन है, जिसमें बेहद आकर्षण है। लेसन का नाम दोस्तों बताते चलें कि लेसन का नाम है द लास्ट लेसन। क्या नाम है? द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन कौन लिखा है? उस राइटर का नाम है अल्फोंस डॉडेट। क्या नाम है? अल्फोंस डॉडेट। तो ALPHONSE अल्फोंस डॉडेट। अब आपको बताएं दोस्तों कि जो लेसन है अल्फोंस डॉडेट की, तो ये एक फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं। क्या थे? कि फ्रेंच नॉवलिस्ट थे और इन्होंने शॉर्ट स्टोरी भी लिखा है, इस नाते इनको हम शॉर्ट स्टोरी राइटर भी बोलते हैं। क्योंकि जो द लास्ट लेसन है, इसके बारे में कहा जाता है कि उन दिनों जो है फ्रेंको पर्सियन वार हुआ। फ्रेंको पर्सियन वार मतलब FRANCO, फ्रेंको PRUSSIAN पर्सियन वार। तो फ्रेंको पर्सियन वार हुआ और इसमें क्या हुआ कि जो फ्रांस था, फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्सिया। पर्सिया के द्वारा जो है फ्रांस क्या हुआ, हार गया। और इसका जो नेतृत्व किया, जिसने लीड किया, उस बंदे का नाम था बिस्मार्क। क्या नाम था? बिस्मार्क, यानी BISMARCK, बिस्मार्क। अब बिस्मार्क ने इसको लीड किया, क्योंकि पर्सिया जो है क्या हुआ कि यह जो है अब जर्मनी का राष्ट्र था। पोलैंड का जो है, पोलैंड और जो है ऑस्ट्रिया का ये पार्ट था। अब इस कहानी में क्या होता है कि जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ? अल्सास एंड लॉरेंस। कि अल्सास और लॉरेंस नाम का जो है दो जिला है जो फ्रेंच का भाग है। और यहाँ पर चूंकि अभी पर्सियन हैंड्स में हो गए, पर्सियनों के हाथ में हो गया, तो अब इस लेसन में आपको ये पता लगता है कि कैसे या उन विद्यालयी जीवन पर बच्चों के क्या प्रभाव पड़ा। क्योंकि पाठ जो है वो कौन लिखा है? अल्फोंस डॉडेट ने। और इन्होंने क्या किया है, वर्णन किया है किसका? 1870 ईस्वी का, जब पर्सियन जो फोर्स सेना थी बिस्मार्क के नेतृत्व में जो है उसने अटैक किया और फ्रांस को अपने कब्जे में कर लिया, गिरफ्त में कर लिया। तो पर्सियन जो रूलर्स थे, अब चूंकि टीचिंग का जो वहां पर जो भाषा था वो फ्रेंच लैंग्वेज था, जो अल्सास और लॉरेन, अल्सास का मतलब ALSACE, अल्सास एंड लॉरेन, LORRAIN लॉरेन। तो अल्सास और लॉरेन जो जिला था, यहाँ पर जो है फ्रेंच लैंग्वेज थी। तो टीचर जो थे, फ्रेंच जो टीचर थे, तो उन्होंने बताया कि भैया अब हम जो है छोड़ने जा रहे हैं, किसको? इस विद्यालय को। तो क्या सचमुच उन्होंने विद्यालय को छोड़ दिया? क्या फ्रेंच और लॉरेन नाम का जो जिला था फ्रेंच का, वहाँ पर अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी? क्या जो बिस्मार्क के द्वारा लीडरशिप करके इसको पर्सिया को जीता गया, अब उस मतलब स्थान पे क्या जो स्टूडेंट हैं उनका लाइफ कैसा होने वाला है? तो एक विद्यार्थियों के मनोयोग को, विद्यार्थी जीवन में होने वाली घटनाओं को, और एक बेहतर विद्यार्थी या एक चंचल विद्यार्थी या के जो है कॉमन विद्यार्थी कैसे अपने जीवन में विद्यालय की एक्टिविटीज या अपने टीचरों से जुड़ा होता है, इस सारे जो है राज, इस सारे जो है आपको कहानियाँ एकदम बेहतर तरीके से आपको सुनाई जाएंगी।
बस आप लगातार वीडियो पे बने रहिएगा दोस्तों। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जिसमें आपको पता लगा लेशन के बारे में और थोड़ा सा जो है आपके अपने आथर के बारे में। तो अब जो है हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में शुरू करते हैं इस कहानी को कि क्या वास्तव में स्थितियाँ रही उस बच्चे का जो विद्यालय में पढ़ता हो जिसका टीचर जो है उसको कुछ आता भी ना हो अभी फिर भी इच्छा जगी हो पढ़ने की और पता लगे एकाएक कि वो छोड़ के जाने वाला है। तो इसका बेहतर जो है एनालिसिस हम लोग करेंगे और सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को जो है पूरी अच्छी तरह से आपने देखा, थैंक्स आपको, और लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगला वीडियो दोस्तों ज़रूर देखिए ताकि आपको द लास्ट लेसन कहने के लिए तो लास्ट लेसन है क्योंकि पार्ट का नाम है लेकिन फर्स्ट लेसन ही लास्ट लेसन है। एक अजीब सा जो है क्या होते हैं ऑक्सीमोरॉन का यूज़ किया गया है शब्दों में। तो आप जो है नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। जय हिंद दोस्तों।